दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबो मोटो और गुलामों की घाटी। ये लंबो मोटो कॉमिक्स है, एक्शन और जासूसी होते हैं इनकी। तो पढ़ते हैं गुलामों की घाटी। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा ऐसा भी है जहाँ लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जिसे उसने आजाद कश्मीर का नाम दे रखा है। यह घटना उसी हिस्से की है। कुछ नामालूम लोगों ने 200-300 आदमियों को घाटी की कुछ गुफाओं में बंधक बना रखा था और उनसे गुलामों का ऐसा व्यवहार करते थे। इन गुलामों से पत्थर तुड़ाए जाते, गुफाएं समतल कराई जाती थी। धड़ाम, हाथ तेजी से चला कामचोर, वरना चमड़ी उधेड़ दूंगा। सड़ाक सड़ाक, प्राकृतिक गुफाएं इनकी आवश्यकता अनुसार समतल बनाई जाती थी। कुछ गुलाम पत्थर तोड़ने और दोनों दोनों का काम कर रहे थे। कुछ हीट प्रूफ पोशाकें पहने लेजर बीम द्वारा उबड़ खाबड़ दीवारों को समतल कर रहे थे। उसी प्रकार कुछ व्यक्ति लेजर बीमों द्वारा सुरंगों का निर्माण कर रहे थे। धड़ाम तड़ तड़ तड़, शाबाश नंबर सिक्स। यदि इसी प्रकार काम होता रहा तो हम शीघ्र ही इस वीरान घाटी को स्वर्ग जैसे सुंदर रूप में बदल देंगे। लेजर बीम नामक यंत्र से पत्थर तो क्या, पुलाद को भी मोम की तरह पिघलाया जा सकता था। मैं तो जिंदगी से तंग आ गया रशीद। मेरा फैसला सूखी रोटी हमें बांटकर, जैसे ही वे मैं गुफा में बंद करेंगे, मैं गनमैन पर हमला कर दूंगा। मैं भी साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा मकसूद, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो तेरा अल्लाह ने चाहता माजरा थी, इस दोजख से छुटकारा पा लेंगे और अपने लोगों से इन राक्षसों के बारे में बता देंगे। बिल्कुल ठीक, तब फिर पुलिस को भी शैतान का पता पड़ जाएगा और पुलिस की गारद इन लोगों को पकड़कर बाकी कैदियों को भी छुड़ा लेगी। रात होने पर कैदियों को खाने के लिए दो दो सूखी रोटियां दी जाती, फिर उन्हें दो गुफाओं में भेज दिया जाता था। फिर दोनों गुफाओं के दरवाजे पर दो दो स्टैनगनधारी गार्ड आ बैठते और ठंड दूर करने के लिए जलते अलाव के पास जा बैठते। वे निश्चिंत रहते थे कि कोई कैदी बाहर भागने की कोशिश नहीं करेगा। यद्यपि पिछले कुछ दिनों पहले कुछ कैदियों ने भागने की चेष्टा की थी, लेकिन बदले में उन्हें मिली थी मौत। स्टैनगनधारियों ने भागते कैदियों को गोलियों से भून डाला था, धोए धोए, और उनकी लाशें घाटी में फिंकवा दी थी, जहां खूंखारगिरदों ने उनकी लाशों को खा डाला था। ऐसे कई कैदियों के अस्थि पिंजर घाटी में इधर उधर बिखरे पड़े थे। तब से किसी कैदी ने भागने का प्रयास करना ही छोड़ दिया था, परंतु आज की बात दूसरी थी। अचानक गुफा के अंदर से गाली गलौज उठक पटक की आवाज सुनकर बाहर बैठे दोनों गार्ड चौंक पड़े। डुम दुम ओह, लगता अंदर झगड़ा हो गया है। नियतों पर जोर आजमाइश करते हो, हिम्मत है तो गने फेंककर अंदर आओ। अरे ये तो हमी को गालियां बक रहे हैं। माँ का दूध पिया तो अंदर आकर देखो, नियत है निर्दोषों पर गोले चलाते हो, पापियों तुम्हें कीड़े पड़ेंगे। हद होगी, अब तो इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं जाता हूं अंदर, एक एक की होश ठिकाने लगाता हूँ। नहीं, तुम्हारा अकेले जान ठीक नहीं, वे कई सौ हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। गायरो खामोश क्यों, अंदर क्यों नहीं आते, क्या हिम्मत जवाब दे गई? इनको दंड देना ही पड़ेगा, तभी इनकी जुबान खामोश होगी। इनकी तो ऐसी ही तैसी, हमारी बहादुरी को ललकारते हैं। ए, जिसने गाली दिए बाहर आ जाए, नहीं तो गोलियों से सबको भून दूंगा। और तुम कर भी क्या सकते हो मर्दूदो, बंदूक के हाथ में जो है बंदूक फेंक रहा हो तो जाने। जिसने ऐसा कहने का दुस्साहस किया है भून डालो उसे, नहीं तो और कैदियों का साहस भी बढ़ जाएगा। ये तो बगावत के लक्षण है, इसके पहले कि ये लोग एकजुट हो इन्हें कुचल डालो। दोनों बंदूक लिए गुस्से में उबलते गुफा के अंदर प्रवेश कर गए। एक किसने गाली दी थी, कौन था वह जो मैं चुनौती दे रहा था, जल्दी बताओ, नहीं तो सबको गोलियों से भून देंगे। मकसूद और उसके साथी दीवार के पास हाथों में पत्थर लिए हुए छुपे खड़े थे। यकायक मकसूद ने गार्ड को निशाना बनाकर पत्थर फेंका जो सही निशाने पर लगा। ठोक है, किसने पत्थर मारा इसे, जल्दी बोलो वरना खोल रहा हूं स्टैंडर्ड का दाना। ओ,
तभी पीछे से रशीद नामक कैदी गनमैन पर शेर की तरह झपटा और एक तेज नुकीली धार वाला पत्थर गनमैन के सिर पर दे मारा। याहू ओह, नफरत की आग में फूंकते रशीद के हाथ का पत्थर बार बार गनमैन के सिर पर तब तक टकराता रहा जब तक कि बेहोश होकर गनमैन नीचे न गिर गया। फिर शीघ्र ही दूसरे गुलामों ने आगे बढ़कर दोनों गनमैनों को समाप्त कर दिया और उनकी बंदूकें भी हथिया दी। दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इससे पहले कि दूसरी गुफा वाले गनमैन यहाँ पहुंचे, हमें उन पर कब्जा कर लेना चाहिए और जल्दी से इस स्थान से दूर निकल जाना चाहिए। लेकिन हम बाहर कैसे निकलेंगे? वहां तो दूसरी गुफा वाले गनमैन ताक लगाए बैठे होंगे। इनकी वर्दियां हमारे काम आएगी, मैं इनकी वर्दी उतारता हूँ। अंधेरे में वर्दियां पहने रशीद और मकसूद को ये अपना ही साथी समझ बैठे। हाँ भाई, बताओ क्या हो रहा था अंदर? मकसूद और रशीद ने कोई जवाब नहीं दिया। शुक्र है लोग बाहर तो निकले, मैं तो समझा था कि गए काम से। वर्दी पहने मकसूद और आगे बढ़ गया। रशीद कुछ पीछे रहकर सतर्क खड़ा हो गया। तुमने बताया नहीं अंदर क्या हो रहा है? अचानक मसूद के हाथ में थमी गन ने गोलियां उगलनी शुरू कर दी। दोनों गनमैन चीखते हुए नीचे गिर पड़े। ठर 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 आई। दरवाजे पर खड़े रशीद ने आवाजें देकर अपने साथियों को पुकारा। कैदी जल्दी जल्दी गुफा से बाहर निकलने लगे। तुम आजाद हो दोस्तों, इससे पहले कि दूसरे गनमैन यहां तक पहुंचे, तुरंत इन शैतानों की नजरों से ओझल हो जाओ। क्या सच? क्या सच? हम आजाद हैं, हम भाग सकते हैं। चारों पहरेदार मर गए, वह मौका अच्छा, भाग लो दोस्तों, हम आजाद हैं। फायरों की आवाज और हड़बड़ाहट में भागते गुलामों की ठोकरों से, लुढ़कते पत्थरों की आवाजों से दूसरी गुफा में सोए वे अज्ञात लोग भी जाग उठे जिन्होंने इन लोगों को कैदी बना रखा था। अरे गजब हो गया, कैदी भाग रहे हैं। फौरन मशीन गन संभालो सेठी, अगर एक भी गुलाम घाटी से निकल गया तो मुसीबत पैदा हो जाएगी। यस बॉस, मैं देख रहा हूँ निमरदूतों को। और तुरंत एक गुफा में मौजूद हैवी मशीन गन का मुंह खुल गया। ठर 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 आई ओ। पहले राउंड में दर्जनों कैदी मशीन गन की गोलियों का निशाना बन गए, अनेक बौखलाकर जमीन पर लेट गए। कुछ कैदियों ने गोलियों की परवाह न करते हुए भागना जारी रखा और ऐसे कैदियों में जांबाज मकसूद और रशीद भी थे। खुदा कसम रशीद, अगर हम सारे साथी इकट्ठे मिलकर हिम्मत करें तो इन शैतानों की यही कब्र बना सकते हैं। लेकिन मशीन गन की मारने ने कैदियों का मनोबल तोड़ दिया था, इसलिए वे बिखर गए। पर रशीद और मसूद हिम्मत कर किसी तरह घाटी से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और भटकते हुए हिंदुस्तानी सीमा के निकट पहुंच गए। हम भटक गए रशीद, पता नहीं किस जगह आ गए हैं। अब आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं रही, क्या पता हम कश्मीर के किस हिस्से में पहुंच गए हैं। आज रात यहीं ठहरते हैं, कल दिन के उजाले में कोई गांव तलाश करेंगे। संयोग से लंबू मोटू उन दिनों मेजर इजार आलम के निमंत्रण पर कश्मीर में सरहद के अंतिम चौकी पर सैर सपाटे के उद्देश्य से पहुंचे हुए थे। लंबू मोटू और मेजर ने एक डाक वितरित करने वाले हेलीकॉप्टर द्वारा उन्हें सीमा के अंतिम चौकी पर भेज दिया था। आज उनके वहां पहुंचने का छठा दिन था। वाह क्या नजारे, मैं तो उन्हें कैमरे में कैद करके यार दोस्तों को दिखाऊंगा, खूब रोब रहेगा। जी भरकर देख ले मोटू, कश्मीर के ऐसे सुंदर नजारे फिर तुझे शायद ही कभी देखने को मिले। अचानक लंबू की दूरबीन की फोकस में कोई चीज हलती सी नजर आई। है वह तो कोई आदमी है, उसके पास स्टैन गन भी है, पर वह चल नहीं पा रहा, रेंग रहा, लगता घायल भी है। दोनों जल्दी से टीले पर पहुंचे। वह उन्हें नजर आया घायल और कराहता हुआ, वह गुलाम मकसूद जो अपने रशीद नाम के साथी के साथ उस घाटी से बाहर निकल आया था जहां सैकड़ों इंसानों को गुलाम बनाकर उन पर जुल्म ढाए जा रहे थे। यह तो घायल है मोटू, आह पता नहीं कौन है। इंसानी फर्ज तो यही कहता कि इसे फौरन चौकी पर ले चले ताकि इसका उचित उपचार हो सके। और बेहोश मकसूद गोलंबू मोटू चौकी पर ले आए जहां मौजूद डॉक्टर चटर्जी ने उसका चेकअप किया और फिर तुरंत उपचार में जुट गए। आश्चर्य है, ये आदमी जिंदा कैसे है? इसकी जांघों कंधों और पेट में गोलियां धसी हुई है, रक्त भी बहुत निकल चुका है। अगर तुरंत इसे रक्त न दिया गया तो इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। संयोगवश चौकी के उस क्लिनिक में मकसूद के ब्लड ग्रुप की 4 बोतलें पहले से मौजूद थी। मकसूद को खून देने के बाद डॉक्टर चटर्जी ने उसके शरीर से गोलियां निकालनी आरंभ कर दी।
डॉक्टर अंकल जहां से हम इसे उठाकर लाए हैं वहां पर बर्फ पड़ने से बने इसके पैरों के निशानों से हमने अंदाजा लगाया कि यह व्यक्ति पाकिस्तानी सरहद से इस क्षेत्र में आया है। तब तो यह भी संभव है कि यह पाकिस्तानी सीमा रक्षकों की ही गोली का निशाना बना हो। ऑपरेशन सफल रहा। थोड़ी देर बाद जब इसे होश आएगा तब तुम इसे बात कर सकोगे, परंतु मुझे ऐसा लगता है यह किसी ऐसी जगह से आया है जहां से बहुत ही यातनाएं दी गई है, जिसे हम पर हंटरों की मार के नए व पुराने अनेक गांव मौजूद हैं। मेरा दावा अंकल, होश में आने पर यह आदमी हमें जो कहानी सुनाएगा वह बहुत दिलचस्प और रोचक होगी। 5 घंटे बाद जब मकसूद को होश आया तो उसे शाम को अस्पताल के एक बेड पर जीवित देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। फिर जब उसे यह मालूम हुआ कि वह हिंदुस्तान में है वो तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद लंबू मोटू और मेजर भी वहां पहुंच गए। सुनो नौजवान, मैं मेजर इजार आलम हूँ, ये डॉक्टर चटर्जी हैं और इनके पास खड़े हैं लंबू मोटू। इन्हीं के कारण आज तुम्हारी जान बची है। वैसे तुम हो कौन? मेरा नाम मकसूद है मेजर साहब, बदकिस्मती से मैं एक पाकिस्तानी हूँ। जरा विस्तार से बता, अपनी बात समझाओ, तुम पाकिस्तानी होने में क्यों किस्मत को दोष दे रहे हो? इसलिए कि मेरी यह हालत उन्हीं पाकिस्तानी सैनिकों ने की है जिन पर कभी मुझे गर्व हुआ करता था। मोटू के आग्रह करने पर मकसूद ने उन्हें अनजान घाटी का सारा हाल कह सुनाया, जहां उसे सैकड़ों अन्य लोगों के साथ गुलाम बनाकर रखा गया था। रशीद नाम के अपने उस साथी के साथ आजाद होने के बाद हम लगातार 4 दिन तक उन पहाड़ों में भटकते रहे। फिर अचानक ही हम दोनों ने अपनी किस्मत को सराहा कि हमें पहाड़ी पर बनाए घर नजर आ गया था। रशीद वो देहे घर, बस यूं समझ कि अब हमें मंजिल मिल गई, अब हमें इन पत्थरों में न भटकना पड़ेगा। वह मकान एक पहाड़ी किसान का था जिसने हमारी अच्छी आवभगत की, लेकिन हमने उसे अपनी आप बीती न बताई। हमने उसे सिर्फ यही कहा कि वह हमें निकट की किसी पुलिस चौकी पर पहुंचा दे, और उसने हमें वहां से 2 किलोमीटर दूर स्थित सरहदी पुलिस चौकी पर पहुंचा दिया। सरहदी पुलिस चौकी के इंचार्ज ने बड़े गौर से हमारी आप बीती सुनी। वह गंभीर होकर सोच में पड़ गया। हम उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रहे थे जबकि वह यही सोच रहा था। शायद इस मामले में एरिया कमांडर को दिलचस्पी हो, क्यों न पहले उससे बात कर ली जाए। चौकी इंचार्ज मैं वहीं बैठा कर बाहर निकल गया। तुम दोनों यहीं बैठो, मैं बड़े अफसर से बात करके अभी वापस लौटता हूँ। वह वापस लौटा लेकिन अकेला नहीं बल्कि 4 सशस्त्र सिपाहियों के साथ। देखो बहादुर नौजवानों, तुमने जो बातें मुझे बताई वही बातें आर्मी एरिया कमांडर एहसन इकबाल को भी सुना दो। यह बहुत गंभीर मामला है जिसे सेना ही संभाल सकती है। हमें भी एहसास था कि मामला बहुत गंभीर है, यह पुलिस के बस का काम नहीं था, इसे सेना ही संभाल सकती थी। एरिया कमांडर के साथ हम हेलीकॉप्टर में बैठकर उसके ऑफिस में पहुंचे। ऑफिस में तुमने यह बात और किस किस को बताई है? आपको तथा पुलिस चौकी के इंचार्ज के अलावा हमने तीसरे किसी भी व्यक्ति को यह बात नहीं बताई। सर अधिक पुलिस चौकी के इंचार्ज की तरह एरिया कमांडर भी हमें अपने दफ्तर में बैठाकर एक जगह चला गया। फिर वह एक मेजर रैंक के अफसर के साथ वापस लौटा। बहादुर जवानों, उस घाटी पर अधिकार करने के लिए हमें एक जबरदस्त फौजी अभियान की जरूरत है। जब तक हम इस अभियान की तैयारी करें तुम सेना के डाक बंगले में आराम कर लो, मेजर साहब तुम्हें बंगले में ले जाएंगे। हमें जीप में बिठाकर वह मेजर डाक बंगले की ओर ले चला। जीप में 5-6 सशस्त्र सैनिक पहले से ही मौजूद थे, लेकिन रास्ते में अचानक जीप खराब हो गई। सैनिकों के साथ में भी जीप से नीचे उतरना पड़ा। अचानक मेजर ने ठास लगाया, हा, बेवकूफो, यही है वह डाक बंगला जहां तुम्हें आराम करने के लिए भेजा गया है। ऐसा आराम जो सिर्फ मरने के बाद कब्र में ही नसीब होता है। सैनिकों की बंदूकों से गोलियां चली जो ज्यादातर रशीद को लगी क्योंकि वह मेरे आगे आ गया था, पर जमीन पर गिरते ही न जाने कैसे मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि मैंने अपनी स्टैंड गन अपने कंधे से उतार ली। ढों ढों ढों, और इससे पहले कि वे जल्लाद गोलियों की दूसरी बाड़ छोड़ते मैंने अपने स्टैंड गन से उन पर गोलियां बरसा दी। डेट डेट डेट। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरी स्टैंड गन की गोलियों से वे सब के सब मारे गए। अलविदा दोस्त रशीद, तेरी मौत का बदला तो मैंने ले लिया, अब अल्लाह ने चाहा तो उस अधूरे काम को भी जरूर पूरा करूंगा जिसके लिए हम एरिया कमांडर के पास आए थे।
चूंकि मैं आजाद कश्मीर का बाशिंदा था, इसलिए इतना तो जानता ही था कि हिंदुस्तानी सरहद की शोर है। तभी तो मैं निरंतर घसीटता घसीटता घायल अवस्था में हिंदुस्तानी सरहद की ओर बढ़ता रहा था। मेरी कोशिश थी कि बर्फ पर मेरे पैरों के गहरे निशान बन जाए। हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं कि वह जगह पाकिस्तान की सरहद में हो या हिंदुस्तान में, हम उसका रहस्य का पता कर वहां कैद लोगों को गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे। और उन्हीं बर्फ पर बने निशानों से हमने अंदाजा लगाया था कि तुम किस ओर से आए हो। भरोसा रखो दोस्त, हम तुम्हारे दोस्त की कुर्बानी तथा तुम्हारी मेहनत को बेकार नहीं जाने देंगे। तुम उस जगह का पता बताओ जहां तुम कैद थे। और फिर मकसूद ने उन्हें बताया कि वह घाटी पाकिस्तानी सरहद में ही है, साथ ही उस घाटी की दिशा तथा कुछ ऐसी निशानियां बताई ताकि घाटी को खोजने में मदद मिल सके। फिर मकसूद को आराम करने को छोड़कर वह चौकी के कमरे में मंत्रणा करने लगे। मकसूद ने उस घाटी की जो निशानियां बताई है उसके अनुसार वह घाटी से इसी एरिया में ही होनी चाहिए। और फिर कुछ देर बाद मेजर ने बताया, मैंने अपने बड़े अफसरों से ट्रांसमीटर पर बात की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हम हेलीकॉप्टर द्वारा पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर उस घाटी को ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। और फिर मेजर साहब लंबू मोटू अपने अन्य सहायक अफसरों सहित हेलीकॉप्टर में सवार होकर उस घाटी की खोज में निकल पड़े। लगभग आधे घंटे बाद सर अब हम पाकिस्तानी क्षेत्र में दाखिल हो रहे हैं। अब इस प्रकार उड़ान भरो जैसे हेलीकॉप्टर तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो गया हो। शीघ्र हेलीकॉप्टर उड़ान भरता हुआ ऐसे उड़ने लगा जैसे वह सचमुच से नियंत्रण से बाहर हो गया है। अचानक नीचे घाटियों में हुए विस्फोटों ने उन्हें चौंका दिया। अंकल, यही वह घाटी है जहां बारूद के जरिए चट्टाने तोड़ी जा रही है। बहुत से मजदूर भी पत्थर ढोते ढोते नीचे नजर आ रहे हैं। अरे हिंदुस्तानी हेलीकॉप्टर यहाँ कैसे? लेकिन शीघ्र हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी के पीछे उसकी आंखों से ओझल हो गया। फौरन पायलट से संपर्क करो और उसे हुक्म दो कि वापस अपनी सरहद में लौट जाए। ठीक है सर। शीघ्र पायलट को पाकिस्तानी संदेश मिला, तुम वर्जित क्षेत्र में उड़ान भर रहे हो, वापस लौट जाओ। हमारा हेलीकॉप्टर से नियंत्रण से बाहर हो गया है। लेकिन हेलीकॉप्टर के ऊपर बढ़ने से पहले ही लंबू मोटर ने नीचे छलांग लगा दी। और जब हेलीकॉप्टर पुनः आकाश की ऊंचाई को छू रहा था तब लंबू मोटू के पैर समतल जमीन का स्पर्श कर रहे थे। शीघ्र एक रस्सी की सहायता से लंबू मोटू उस घाटी में नीचे उतरने लगे जहां उन्होंने मजदूरों को पत्थर ढोते देखा था। शीघ्र दोनों सकुशल उस घाटी में उतर गए। लंबू, क्या विचार है, अभी इनकी नाप तोल शुरू करें या रात होने की प्रतीक्षा करें? रात होने की प्रतीक्षा करना ठीक है। लंबू मोटू रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने सारे गुलामों को उन दो गुफाओं में कैद कर लिया। दोनों मैदान में रात के अंधेरे का लाभ उठाते हुए पत्थरों की आड़ में छिपते हुए सामने गुफाओं की ओर बढ़ चले। इस बीच एक गुफा में बात करते हुए कुछ अज्ञात लोग, सिर्फ 2 महीने का काम रह गया सर, उसके बाद बड़े आराम से हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आ जा सकेंगे। लंबू मोटू सतर्क होकर उन आवाजों को सुनने लगे। तुम्हें अब और भी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि दोनों भगोड़े गुलामों में से एक कई पाकिस्तानी अफसरों को मारकर फरार हो चुका है जिसकी हमें तलाश है। एक बार हमारे यह अड्डा बन जाए फिर हमें किसी का डर नहीं रहेगा, क्योंकि निर्माण पूरा होते बहुत से सैनिक और अन्य साजो सामान यहाँ पहुंच जाएगा। किसी भी फौजी अभियान का सिर कुचलने में हमें समर्थ होंगे। गुफा के बाहर चट्टान की ओट में दुबके लंबू मोटू ध्यान से सुन रहे थे। हमारा संदेह ठीक निकला लंबू, यहाँ कोई गुप्त सैनिक अड्डा बन रहा है। अंदर से आती आवाज ने फिर कहा, सिर्फ कुछ दिनों की बात है, फिर यह समूची घाटी अमरीकी सेना के दिन होगी, तभी कहीं जाकर हमें यहाँ की तकलीफों से छुटकारा मिलेगा। सुना मोटू, पाकिस्तान अपनी सरहद में गुप्त अमरीकी सैनिक अड्डे बनवा रहा है जो भविष्य में हमारी सेना के लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे। मैं मेजर अंकल को ट्रांसमीटर पर यह जानकारी दे देता हूँ, फिर हम गुप्त अड्डा बना रहे इन लोगों से निपटेंगे। और फिर मेजर इजहार आलम को प्राप्त जानकारी ट्रांसमीटर पर दे देने के बाद लंबू मोटू बिल्ली जैसी दबी चाल से चलते हुए उन गुफाओं का निरीक्षण करते रहे जिसमें इस घाटी का नक्शा बदल रहे ये लोग आराम फरमा रहे थे।
फिर वे उनको गुफाओं से दूर निकल गए। हमने उन सब गुफाओं में टाइम बम लगा दिए हैं जिसमें वह सब लोग मौजूद हैं जो यहाँ गुप्त अड्डा बना रहे हैं। अभी कुल 2 ही मिनट गुजरे थे कि लंबू मोटू द्वारा एक गुफा में रखा टाइम बम भीषण विस्फोट के बाद फटा। दौड़ाओ, टाइम बम फटने लगे। उम्मीद है गुफा में मौजूद इन लोगों की कब्र यहीं बन जाएगी। तभी एक ऐसी गुफा में विस्फोट हुआ जिसमें लंबू ने बारूद रखा देखा था। बड़ाओ, उनका सारा गोला बारूद तबाह हो गया। गुलामों वाली गुफाओं के बाहर खड़े गनमैन कुछ दूर स्थित दूसरी गुफा में होते विस्फोटों को गहन आश्चर्य के साथ देख रहे थे। यह विनाश कौन कर रहा है? उसने चुन चुन कर वही गुफाएं उड़ाई है जिनमें हम लोगों ने डेरा डाला हुआ था और जहां हमारा सारा बारूद तथा अन्य आवश्यक सामान रखा हुआ था। समझ नहीं आता कैसे इस विनाश को रोके। हम यहां से भी नहीं हट सकते क्योंकि तब कैदी भाग निकलेंगे। दौड़ाओ, अभी भी स्फोट का सिलसिला बंद भी नहीं हुआ था कि आकाश एक भारतीय विमान की गर्जन से गूंज उठा। तुम शायद विमान की गर्जन सुन रहे होगे और अब इसी विमान से ये छाताधारी सैनिकों को छलांग लगाते भी देखोगे। हमारे जवान आ पहुंचे। तभी विमान से दर्जनों छाताधारी निकलकर नीचे कूदने लगे। धरातल पर पहुंचते भारतीय जांबाज सैनिक पूरी घाटी में फैलते चले गए। डन डन डन, और शीघ्र उन सैनिकों ने पूरी घाटी पर अधिकार कर लिया। शीघ्र कई हेलीकॉप्टर उतरे और लंबू मोटू तथा भारतीय सैनिकों की सुरक्षा में गुफा में कैद गुलामों को हेलीकॉप्टर में पहुंचाया गया। फिर एक अंतिम हेलीकॉप्टर में लंबू मोटू भी सवार हो गए। जैसे हेलीकॉप्टर ने आकाश में उठना शुरू किया समूची घाटी भीषण विस्फोट से दहल उठी। धड़ाम धड़ाम, जाते जाते भारतीय सैनिकों ने उस घाटी में इतने शक्तिशाली बम फिट कर दिए थे जिन्होंने प्रातः होने तथा उस समूची घाटी का नक्शा ही बदल दिया था। अब कोई चाहकर भी इस घाटी में कोई गुप्त अड्डा नहीं बना सकता था। घाटी से छुड़ाए गए कैदियों को सारी हकीकत बताकर जब उनसे पूछा गया कि वे कहाँ रहेंगे तो उन्होंने कथित आजाद कश्मीर में जाने से स्पष्ट इनकार कर दिया। उन्होंने इच्छा जाहिर की उनको हिंदुस्तान में ही बसने की इजाजत दी जाए तथा किसी तरह से उनके परिवार वालों को भी हिंदुस्तान ले आया जाए। आप हमारे मुक्तिदाता हैं, आप ही बताइए जिस देश की हुकूमत ने विदेशों के साथ मिलकर हमें उन विदेशों का गुलाम बनाया अब भला हम उनके साथ कैसे रह सकते हैं? ठीक है, तुम्हारे रहने की उचित व्यवस्था कर दी जाएगी। और फिर सभी कैदियों ने ही नहीं बल्कि मेजर इजार आलम ने भी लंबू मोटू की बहुत प्रशंसा की क्योंकि उन्हीं के साहस के फल स्वरूप यह मिशन इतनी कामयाबी के साथ संपन्न हो सका था। जबकि लंबू मोटू सोच रहे थे कि क्या कोई इतना बिकाऊ भी देश हो सकता है जो अपने देश के निवासियों को विदेशों का गुलाम बना दे। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।